दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्ष 2019 के प्री पीएचडी छात्रों का सोमवार को भी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना जारी रहा। धरना दे रहे छात्र प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही सीबीएस के तहत सेमेस्टर प्रणाली में पंजीकरण कराने की अनिवार्यता का भी विरोध कर रहे हैं। इस दौरान सोमवार को कोई भी अधिकारी धरना दे रहे छात्रों से वार्ता करने नहीं पहुंचा और मामला जस का तस पड़ा हुआ है। जबकि कुलपति ने कहा कि शोध छात्रों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। कुलपति के माध्यम से होने वाली सभी मांगे मान ली गई हैं। इस संबंध में जब धरनारत शोध छात्रों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों की सिर्फ दो मांगे हैं, उसे अगर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा कर देता है तो धरना समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि शाम को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने पत्र जारी कर छात्रों से अपील करते हुए कहा कि छात्रों की कुछ मांगे पूरी कर दी गई हैं, शेष मांगों पर सकारात्मक पहल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन पर अपना सहयोग करें और विश्वविद्यालय की गरिमा बनाए रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह और प्री पीएचडी के छात्र मंदीप ने कहा, तो इसमें थोड़ा सा सिस्टम को अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय कोई कसर छोड़ रहा है कि उनकी हर चीज़ों को बात कर रहा है, हर चीज़ पर बात हो रही है, वो भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है उनको क्या चाहिए। हम हर तरह की बात मानने के लिए तैयार हैं जो ऑर्डिनेंस में है, जो हमारे रूल रेगुलेशन में है, वो भी बात मानने पे चर्चा हो रही है, जो मेरे पावर में है। लेकिन मैं भी, मेरे पास भी पावर नहीं है कि हम ऑर्डिनेंस का उल्लंघन करें, तो दिक्कत यहाँ पर। और लेकिन उसमें भी रास्ता निकालना है। ये सब देखिए, ये यूनिवर्सिटी जो चलती है एक्ट ऑर्डिनेंस के हिसाब से चलती है। वो ऐसा नहीं है कोई इमीडिएट सलूशन वो कोई मैडम ऐसा बता देंगे कि वो। अब इसमें एक मैं बता दूँ खुल के कि इसमें ये था कि 2018 में एक नया अध्यादेश बना, जो भी बना सही बना, वो इसलिए बनाया कि यूजीसी का प्रेशर है। यूजीसी ने कहा है कि बनाइए और इसको दो कोर्सेज 5 क्रेडिट के बना के अपनी सारी कॉम्पिटेंट बॉडी से पास करवा के इसको पढ़ाइए, उसके बाद इसका रिश्ते। उसी लाइन पे काम चल रहा है। दिक्कत ये हुई कि ये कोर्सेज बने नहीं, ये मेरे आने के पहले की बात है, कोर्सेज बनाए नहीं गए और कोर्सेज नहीं बनाए गए। उसके बाद आप एग्ज़ाम ले लो, उसके बाद उनकी मार्कशीट में निकाल दो, वो कभी भी कोर्ट में चैलेंजेबल है, राजभवन में चैलेंजेबल है। जब मेरे ध्यान में आया 1.5 महीने 1 महीने पहले, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको, जो चीज़ें रह गई हैं, पुरानी चीज़ें मैं नहीं ला सकता हूँ, उसको उसके कोर्स बनाए। मैंने अपनी स्पेशल पावर से उसको अप्रूव किया, क्योंकि ये अकेडमिक काउंसिल मीटिंग एमरजेंट थी, केवल इसका उसको अकेडमिक काउंसिल उसमें से पास करके राजभवन में भेज देंगे, हो जाएगा। अब ये चूंकि एक व्यवस्था पहले से बनी आ रही थी कि ट्रेडिशनल सिस्टम में लेते थे, एक टीचर एग्जाम कोई जो एडवाइज होता ले लेता था, कर लेता था। अब UGC देती है नहीं, उसको इस तरह से कराइए, कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल, तो हम लोग उसी कुछ बच्चों ने नहीं कराया, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भावना सबमिट करके कैसे इसको दिया जाए। मैं मेरे पावर में है कि हम इनके वेव कर दें, बातचीत चल रही है। क्या सर इसमें रिक्वेस्ट करेंगे इसी की तरह, चूँकि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं यूजली जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं कल गया, मैं डिस्ट्रिक्ट मेरे कहा मेरी बात से मानती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे हैं और मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जिससे कि समस्या सुलझे। आई बात करते रहिए, हम लोग पॉजिटिव हैं। जो उन्होंने कहा है उसके कम से कम 3 आदेश निकले हैं, 3 बार मीटिंग, ऐसा नहीं है पहले बोला कि एग्ज़ाम फिक्स कर लीजिए, डेट बता दी, वो किया, उसके बाद बोला आप कहिए कि हमको प्रमोट कर दिया जाए, और वहाँ पर किया था, तो मैंने ठीक है जो अगर लिख कर देगा हम प्रमोट कर दिया, हम प्रमोट करते हैं। लेकिन ये आप सोच लीजिएगा कि ऑर्डिनेंस का ब्रेक हो रहा है, वो आगे आपको देखना है, वाइसराय के हाथ में है, ये कर सकता है, पहले हुआ है, ये चीज़ें आगे आने वाले दिनों में क्रेडिट बैंक वगैरह आ रहा है, वो सब हमसे पूछा जाएगा इनका क्रेडिट कहाँ है। तो मेरी कोशिश है कि उस व्यवस्था में निकले
और हम लोग पॉजिटिव हैं क्योंकि एक सिस्टम से अभी थर्ड ईयर के बच्चे आए गए ना, हमारे सी बी एस क्यों लागू हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि सी बी एस दो साल से लागू है, तो ये उनको पता ही नहीं कि उनके दो साल से चल रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मिड टर्म आपका भी होना है, अभी हो रहा है, हाँ मिड टर्म को दिया, अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन का पैटर्न है, तो है नहीं कि हम इनको दूसरे पैटर्न से एग्जाम लें, उनसे दूसरे कॉलेज से जाएंगे, अगर हम हर जगह उसको वायलेशन करेंगे तो आप क्या माहौल होने का अंदाजा लो, तो एक फेज है, मुझे लगता है जल्दी हम लोग उसको मनदीप कोई वार्ता नहीं हुआ, हम सुबह से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के लिख करके बैठे हैं, और जितने भी 100 छात्र यहाँ आए हैं करीब 250 छात्रों का सिग्नेचर हम करा करके यहाँ पे रखे हूँ, अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से लिख करके कि अगर कोई भी विश्वविद्यालय प्रशासन का अधिकारी हमसे आता है मिलने के लिए तो ये अपनी मांग सारे 100 छात्रों के सिग्नेचर के साथ हम उनको दे दें, लेकिन अभी तक हमसे विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी बात करने नहीं आया, और हमने अपने सूत्रों के हिसाब से विश्वविद्यालय प्रशासन को ये अपनी मांग भिजवा भी दी है, अब वो अंदर कौन सी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे साथ, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, वो जब से आए हैं तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ षड्यंत्र पे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, वो हमें हमेशा दो विकल्प देते हैं, ऐसा दो विकल्प देते हैं ना इधर का ना उधर का, वो फंसाने का काम हर जगह करते हैं, कभी भी उनकी मनसा साफ नहीं रहती, उनकी नियत में इतनी वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, एक ही क्लास के छात्रों के लिए दो दो विकल्प दे देते हैं, हमने साफ साफ अपनी मांग आज लिख के उनको रखी है कि जब भी कोई आता है विश्वविद्यालय प्रशासन का तो यही बात हमारी मांग है, माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देश पर 2019-20 के सभी 100 छात्रों के लिए आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए सभी शोधार्थियों को एक साथ प्रमोट किया जाए तथा जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर सभी का पीएचडी में पंजीकरण करा लिया जाए, यही हमारी मांग है, इतनी मांग है, लिख को दे दें हम चले जाएंगे, और हमें कोई बात नहीं कहनी है किसी से, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई पूछने नहीं आया, जी नहीं।